system. Cabe? इधर आएगा तो इधर थप्पड़ डाल दो। वो वही बैठा है, कब से बैठा है। तुम पीछे हो जाओ फक्त। पीछे रहो। हां पीछे पीछे रहो। मोबाइल का टॉर्च दिखाओ पहले मेरे को। मोबाइल का टॉर्च। आराम। इधर इधर करता ना ये दिखा। या शायद से दामिनी है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मुझे फिर एक कॉल आया और एक हमारे घर के एरिया के पास में एक मार्बल की जो एक दुकान है, दुकान के बाजू में एक बगल में उनके जो एक किसी एक शख्स का एक घर है और घर के अंदर एक बड़ा सांप देखा गया है, तो हमको जिन्होंने कॉल किया था वो हमारे सामने खड़े हैं। सर आपका नाम क्या? हमारा प्रमोद कुमार। ये प्रमोद कुमार जी है, तो इन्होंने सांप को देखा और देखने के बाद मुझे तुरंत कॉल किया और मैं मौके पर 5 मिनट में यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो फिलहाल तो हमको पता नहीं सांप कौन सा है, तो हम लोग पहले देखेंगे सांप कौन सा है और उसके बाद निकाल कर फिर थोड़ा सा बाहर उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो में जो है बने रही मेरे साथ, तो पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वो कहाँ छुपा है और कहाँ नहीं। तो आप देख सकते हो काफी थोड़ी सी जगह की भी दिक्कत है और यहाँ पे पीछे एक जगह पर देखा है कहीं। तो पहले देखते हैं सांप कौन सा है। तो यदि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सांप छुप कर बैठा हुआ है, तो शायद हमारा जो सामना है फिर से रैट स्नेक से हुआ है, जिसको हम लोग धामन और घोड़ा फचाड़ सांप के नाम से जानते हैं। शायद यहाँ पे दिखने में शायद दिक्कत हो, कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की किस तरह वो छुपकर डर के बैठा हुआ है। तो इसको सही सलामत जो बाहर निकालेंगे और इसको इसके नेचर में फिर छोड़ देंगे। काफी बड़ा साइज है शायद। कैमरा हिला मत जाता, गड़बड़ मत कर, निकालने की बात। ये कैसा है? ये जो सांप रहता है ये धामन सांप, उसके अंदर जहर नहीं रहता लेकिन काटता है और काफी चुलबुला और काफी गड़बड़ करता है। इसको पकड़ने के लिए बहुत तरीके से पकड़ना पड़ता है, इसको नजदीक जाके एकदम झटके से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा छू दिया अलर्ट कर दिया तो ये काफी गड़बड़ करेगा और इसको चांस मिलेगा तो भाग जाएगा। मुझे लगा शायद ये रहेगा, बोनस रहेगा, लेकिन अच्छा होगा धामन ही। नहीं वो देख के ही पता चल गया था। मोबाइल की अगर बैटरी देखो पकड़ने के लिए काफी दिक्कत, ये हिलता है क्या? करो ना उसको ऐसा, ठीक है, पकड़ने के लिए जगह नहीं। आने के लिए मशीन उठेगी वो छट के।
अरे गड़बड़ मत कर। ध्यान से वो ऊपर से वो गिर जाए। एक हाथ में जरा इसको थोड़ा हटाओ, थोड़ा हटाओ। कपड़ा हटाओ क्या? कुछ खाया हुआ है, गड़बड़ करेगा, काटेगा। पीछे हट जाओ, वो हमारे सामने जो है धामन सांप, जिसको हम लोग रैट स्नेक के नाम से जानते हैं। काफी बार इसके बारे में डिटेल बताया हुआ मैंने, तो इसके अंदर कोई जहर नहीं होता, लेकिन ये गड़बड़ करेगा तो काटेगा। और बाइट इसकी काफी पावरफुल होती है, लेकिन इसमें जहर नहीं होता। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सांप है पूंछ से मारता है, इसकी पूंछ में जहर रहता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, ना ये पूंछ मारता है, ना इसकी पूंछ में जहर होता है, ना इसकी पूंछ में कोई कांटा होता है। ये एक आम सांप है, चूहे खाने की तलाश में घर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ये कोई दूध पीने के लिए घर में आता है, ना अनाज लूटने के लिए आता है। ये सिर्फ जो है हमारे जो अनाज का जो नुकसान करते चूहा, ये उनको खाने के लिए सिर्फ आता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, धामन सांप, रेड स्नेक जिसके हम लोग बोलते हैं। चलो चलो आ जाओ, करना वो बर्नी लाओ, बर्नी लाओ, बर्नी मतलब अच्छा ठीक है, नहीं क्या ये सांप को अच्छे से देख लो तो कभी आपको ऐसा दिखता है। हाँ। और भाई जान अगर कोई सर्प मित्र नहीं आता। हाँ। तो इसको क्या करना है मालूम है क्या? एक डंडा लेना, डंडे से इसको थोड़ा सा भगा देना, बस मारना नहीं, इसको थोड़ा सा धक्का दे देना, इसको थोड़ा सा रास्ता मिल गया तो निकल जाएगा, क्योंकि ये अपना नुकसान नहीं करता। गलती से आपके घर में रह भी गया तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये अपना कोई नुकसान नहीं करता। ये काटता नहीं ऐसा किसी को, ये कब काटता है कि इसको कोई जबरदस्ती पकड़ेगा, तब जब तक आप इसको पकड़ेंगे नहीं, ये डर के सबसे डरपोक है, ये सांप है ना सबसे डरपोक है। उसके पेट में कुछ है जब इसने चूहा खाया, तो जब इसको कोई पकड़ता है ना, ये तभी काटता है, तब तक ये किसी को काटता नहीं। और गलती से इसको किसी ने काट भी लिया, समझो एक बार काट लिया, दो बार काट लिया, तीन बार काट लिया, तो आदमी की मौत नहीं होती इससे, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर जोर से काट लिया, अगर खून आया, तो उसको धोना है साबुन से, और टीटी का एक इंजेक्शन लेना। टीटी का इंजेक्शन इसलिए लेना ताकि कोई सेप्टिक ना हो, क्योंकि इसके मुंह में कैसा बैक्टीरिया रहते, गंदगी रहती है, इसके मुंह में छोटे छोटे बहुत सारे दांत रहते हैं, जो तुमको ऐसा दिखाई नहीं देंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। ये एकदम नॉर्मल सांप है, ये जब घबरा जाता तो ऐसा टाइट पकड़ लेता है। देखो ताकत आ रही मेरे, उसको पता नहीं ना, हम लोग उसको बचाने के लिए आए, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे को डर लग गया तो मैं काटूंगा। तो देखा दोस्तों किस तरह सही तरीके से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के, और बिना किसी नुकसान के, जो हमको भी नुकसान नहीं हुआ, उस सांप को भी नुकसान नहीं हुआ। और शुक्र का सबका, जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसके ऊपर नजर बना के रखी। और ये जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो ये आपस में खुद ही बात कर रहे थे कि सांप कोई भी हो,
खाली हमको नजर बना के रखनी, इसको मारना नहीं है, किसी को सर्प मित्र को बुलाएंगे और वो उसको पकड़ के दूर ले जाएगा। तो सभी लोगों ने ऐसा करना है, लोगों के ऐसे विचार की वजह से क्या होता है, हमारी हिम्मत और बढ़ती है और हमारा जो जज्बा बढ़ता है काम करने का। तो एक बार सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार सबकी तरफ दिखाओ जरा, इन सभी लोगों का एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह जो है नजर बना के रखनी हर सांप के ऊपर, क्योंकि नजर बनाने से वो हमको मिल जाता है और मिलने के बाद हम लोग उसको आसानी से पकड़ के आपके सामने इसको हम लोग पकड़ के जब लेके जाते हैं तो आपको भी तसल्ली हो जाती है और आप भी जो है चैन की नींद सोते हो, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग मिलेंगे फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ, तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ खैर।